My dear brothers and sisters, welcome to Sur Sangam Sunday Reflection. आज मुझे वह सुंदर गीत याद आ रहा है जो हम इंग्लिश में गाते हैं. I wander far away from God. Now I'm coming home. मैं एक ऐसे लड़के के बारे में बताना चाहता हूं जो एक बहुत अच्छे परिवार में जिसने जन्म लिया था और उसके पास सब कुछ था, लेकिन वह रास्ता भूल गया था और वो गलत कंपनी में फंस गया. उसके घर वालों ने उसको बहुत समझाया लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं था और इस प्रकार वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया. और ऐसे एक दिन किसी झगड़े में उसने किसी को मार दिया, कत्ल कर दिया और उसको जेल हुआ. वो 14 साल तक जेल में रहा और एंड में जब उसको रिलीज हो रहा था तब वो सोचने लगा, पता नहीं मेरे घर वाले में मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो मुझे वापस लेंगे या नहीं लेंगे. फिर भी उसने एक चिट्ठी लिखी. उस चिट्ठी में उसने कहा कि मेरा रिलीज हो गया है लेकिन मैं नहीं जानता तुम लोग मुझे माफ करोगे या नहीं करोगे, फिर भी मैं एक बार आप लोगों से मिलना चाहता हूं. अगर आप लोग मुझे माफ करने के लिए तैयार हो तो मुझे एक संकेत चाहिए. हमारे घर के पास जो बहुत बड़ा पेड़ है उस पर एक नीला निशान जो है आप बांध के रखो. जब मैं बस में आऊंगा, बस हमारे घर के सामने से निकल जाएगी, मुझे अगर वो साइन दिखेगा और वो संकेत मुझे पता लगेगा तो मैं वहां उतर जाऊंगा और आप लोगों से एक बार मिलना चाहता हूं, उसके बाद मैं चला जाऊंगा. अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं उतरूंगा, मैं चला जाऊंगा. वह जैसे ही उसके घर के नजदीक आ रहा था उसकी धड़कन बढ़ रही थी. वो सोच रहा था पता नहीं घर पर कौन होंगे, वो मुझे किस दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसके घर का नाम खराब कर दिया था, उसका परिवार का नाम खराब कर दिया था. लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा उसने पेड़ में एक रिबन नहीं बल्कि पूरा पेड़ ही भरा हुआ देखा और वहां उतर गया. न केवल उसके घर वाले बल्कि पूरा मोहल्ला वहां पर खड़ा था. उन्होंने उनसे कुछ नहीं पूछा, उसको आलिंगन लगाया और उसके घर लेके गए. प्यारे भाई और बहनों, आप जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं. मैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में बताना चाहता हूं. प्रभु ने यह दृष्टांत लोगों को सुनाया. वो यह बताना चाहते थे कि चाहे हम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, ईश्वर हमसे बेहद प्यार करते हैं. उनका प्यार, उनका रिश्ता हमसे कभी टूटता नहीं है, अलबत्ता कि हम अपने पापों के लिए क्षमा याचना करें. अगर हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं तो प्रभु अपने हाथ पसार कर हमें अपने आलिंगन में लेना चाहता है, क्योंकि उनका प्यार जो है, जो हम कहते हैं अनकंडीशनल लव, यानी उनका प्यार कभी नहीं टूटता, वो हमेशा बरकरार रहता है. और इन दिनों में जब हम लेंटन सीजन में हैं, कभी कभी उदास हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं मैं इतना बड़ा पापी हूं या हमेशा पाप करता हूं, इसलिए मुझे क्या होगा, मेरा जीवन बदल नहीं सकता, या हो सकता है कि मेरे रिश्ते सही नहीं है, मेरे घर वालों से, मेरे पत्नी से या मेरे पति से, मेरे अलग अलग लोगों से जिसके साथ मेरा रिश्ता है, कैसे बदल जाऊंगा. नहीं, प्रभु कहता है तुम बदल सकते हो और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं. आपको याद है नबी इसाया ने क्या कहा था कि ईश्वर हमारा ऐसा है जो हमें हमेशा प्यार करता है. उसका प्यार एक मां के प्यार से भी ऊपर है, क्योंकि एक मां अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन ईश्वर हमें नहीं भूल सकता है. प्यारे भाई और बहनों, यह हमें यह बताता है कि ईश्वर के घर में हमेशा अंधेरा नहीं, वहां पर उजाला है. वह हमें वापस लेने के लिए तैयार है. वह चाहता है कि हम पश्चाताप करके वापस जाएं. हम जैसे ईश्वर हमें प्यार करता है, क्षमा देता है, उसी प्रकार हम भी एक दूसरों को क्षमा देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ईश्वर प्यार है और वो चाहता है
कि वही प्यार जो हमारे हृदय में है, जिसके वजह से हम भी एक दूसरों को क्षमा दें, प्यार करें। आइए, यह लेंटन सीजन है, 40 के समय है, कितना अच्छा समय है। अगर हम रिन्यूअल करते हैं, हमारा दिल में परिवर्तन आ जाता है, दोबारा हम प्रभु को देख सकेंगे, प्रभु के प्यार को हम समझ जाएंगे। मैं यही चाहता हूं, और हम सभी मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।